ट्रालियाँ बढ़िया छह महीने का सामान है हमारा। छह महीने का सामान लेकर आए हैं। अच्छा, आगे पूरी तैयारी है। हाँ, हमें दिल्ली जाएंगे। हाँ, बॉर्डर तोड़ेंगे। हाँ, ते जो सरकार हरियाणा की कर रही है। हाँ, उस तो कारण दो, हरियाणा के लोग हमारे नाल हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, इस वक्त पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर इस वक्त हमारी टीम मौजूद है और देख सकते हैं यहाँ पर हम वो काफिला आपको दिखाएंगे जो जत्थेबंदी है, जो किसानों का एक लंबा काफिला जो दिल्ली कूच करने के लिए जाने लग रहा है। ये लंबा काफिला आप देख सकते हैं, हज़ारों ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ में जो काफिला किसानों का यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। फुल तैयारी करके हैं जो किसान पहुंच रहे हैं। जी राम राम। राम राम। कितनी तैयारी है, कितनी बड़ी तैयारी? फुल तैयारी है जी, फुल तैयारी है। जितनी भी कह दे उतनी तैयारी है। सुनने में आके छः महीने का राशन पानी लेकर के? हाँ, लेकर आए हैं जी, बिल्कुल लेकर आए हैं। क्या मांगे भाई साहब सरकार से? मांगे तो भाई, जो से कानून होने की मांग है। कानून तो वापस ले लिए थे? ना ना, कौन सा लिखती रूप में ली थी भाई? अच्छा, ना वैसे बोला था। हाँ, धोखा कर रही है जिम्मेदार वाला, पूरा धोखा कर रही है सरकार। कोई भी मारा कानून लागू नहीं है अब तक। जे और ना टपण दे, पर ही रास्ता है। मैं इन सारे किसानों ने जाए, मैंने सारे राय का पता है, पर ही टपा दे। हाँ, ईव टपा दिया, दो घंटे के अंदर पार पार किसान जिते पंजाब प्रधान आके कहो ईव टपा दें, दो घंटे नहीं लाते सारे। कह रहे कि जाएंगे तो हम इस बॉर्डर को तोड़ करके ही जाएंगे। बोलो इस बड़े भाई, जब कोई मेन आवेगा बॉर्डर भी टूट जाए कोई खास अभी बात। कौन कौन आए हुए मैन भाई? इतना नहीं मैंने पता, देखू तेन कह दिया फलाना आ रहे हुई, झूठ बोल देना। ट्रैक्टर पर ऊपर से ऑर्डर आएगा। हाँ, ट्रैक्टर पर। किसके नेतृत्व में आए हुए हैं आप? मावे जथेबंदियां नाल आ रहे हैं भाई, किसानों के साथ आ रहे हैं। रद्दू मानसा के चेले हैं मैं पक्के, रद्दू मानसा के। हां, चलो ठीक है जी। ठीक है भाई जी, फिलहाल ये देखिएगा आप ये तमाम तस्वीरें ट्रैक्टरों के साथ जो किसान है वो पहुंचे हैं। फुल तैयारी कर रखी है किसानों ने। ये देख सकते हैं ग्राउंड मीडिया के माध्यम से हज़ारों ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं यहाँ पर। फिलहाल बॉर्डर के ऊपर हमारी टीम मौजूद है और ये देख सकते हैं फुल तैयारी कर रखी है जो सामान। एक मिनट, ग्राउंड मीडिया के नाम से चेक कर लेना। ये देख सकते हैं फुल तैयारियों के साथ। इसमें क्या क्या सामान रखा है जी? ट्रालियों में सारा राशन पानी है, राशन पानी फुल है। हाँ, ये क्या? ये शेड है, शेड कमरे बनाएंगे, कमरे बनाएंगे जी। पहले फुल तैयारी है, फुल तैयारी है जी। इसको एक बार जो देख रहे हैं, तो सारी आधे घंटे का खेड़ है हमारा। अच्छा, जो पहले जो 13 महीने आंदोलन चला था वही सामान है? उससे भी ज्यादा है सामान लेके आया। हाँ, ये देखो भाई, ट्रालियाँ बढ़िया। छह महीने का सामान है हमारा। छह महीने का सामान लेकर आए हैं। अच्छा, आगे पूरी तैयारी है। हाँ, हमें दिल्ली जाएंगे। हाँ, बॉर्डर तोड़ेंगे। हाँ, ते जो सरकार हरियाणा की कर रही है। हाँ, उस तो कारण दो, हरियाणा के लोग हमारे नाल हैं। हरियाणा की जो जनता है, किसान है, वो आपके साथ है? हमारे साथ है। हाँ, वो हमारे छोटे भाई का रिश्ता निभा रहे हैं, इसलिए हम एक बॉर्डर तोड़ के जेड़ा शंभू बॉर्डर था वो क्लियर कर दिया। क्लियर कर दिया शंभू बॉर्डर, इनू भी कर देंगे। हाँ, हूँ असं दिल्ली दिया बरूहां दे जावांगे। देख सकते हैं फुल तैयारी, सिलेंडर है, अनाज है, या फिर जो सामान बनाने के जो भी देख सकते हैं पतीले हैं, वो सभी सामान इन्होंने, बर्तन वगैरह है, सब रख रखा। कह रहे हैं कि इस ट्राली के अंदर 6 महीने का सामान इनके अंदर है और प्रत्येक अलग अलग ट्रालियां हैं। कितनी ट्रालियां, अलग ट्रैक्टर ट्रालियां होंगी? एक ट्रैक्टर ट्रालियां कम से कम 6000 ट्राली है। 6000 है लिस्ट बनी हमारी पास, लिस्ट। हाँ बिल्कुल। हाँ देख लो भाई, एक लंबी जो जत्थेबंदी है, ये तमाम तस्वीरें आप यहाँ पर ग्राउंड मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। और 6 महीने का जो राशन है वो लेकर के किसान चले हैं और कह रहे हैं कि चाहे कोई भी बॉर्डर आगे बना दे, किसी भी प्रकार की बैरिकेड कर दे सरकार, हम उसको तोड़ करके आगे जाएंगे। क्या कहेंगे ताऊ जी, फुल तैयारी के साथ में जाने लग रहे हैं आप दिल्ली? हाँ हाँ, फुल तैयारी में जाएंगे, बैरिकेड तोड़ेंगे, फिर निगाएंगे सारा को। बिल्कुल, आगे आगे पैरामिलिट्री है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उनके हाथों में बंदूक है, गोलियां, डर नहीं लगता? कोई डर नहीं लगता है, पूरे टसन में बैठे। एक बार थाउ जी दिखा दीजिएगा, ट्रैक्टर के ऊपर फुल टसन में बैठे हैं। क्या कहेंगे? दिहाड़ी करने तो मरे जंगे हैं। अच्छा, हाँ ठीक है ना, अडवानी वानी की दिहाड़ी नहीं होती, मर जाएंगे। अंबानी और अडानी की दिहाड़ी नहीं होती, दिहाड़ी मरना मंजूर है, मरना मंजूर है जी। किस प्रकार की मांगे हैं आपकी बात? हम जाएंगे, अपनी मांगों में अड़े हुए हैं कि सरकार अही उन्होंने मोदी की तौन चो किला कढ़ के विखावांगे, भावें एक 10 मिनट तक शायद खुल जाए बॉर्डर, पूरी जोड़ा च अपनी
ਨੌਜਵਾਨ ਡੇ ਕਾਫਲਾ ਤੋੜਨ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਚੱਟ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਆਖੋ ਮੈਂ ਆਸੂ ਹੈ ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰਫ ਹੋ ਜਾਈਏਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਆਖੋ ਮੈਂ ਆਸੂ ਆਪਕੇ ਆਸੂ ਆ ਉਹ ਦੂਏ ਕੇ ਗੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਸੂ ਗੈਸ ਕੇ ਗੋਲੇ ਕੇ ਕਾਰਨ ਆਖੋ ਮੈਂ ਆਸੂ ਆਸੂ ਹੈ ਦੇਖ ਲੋ ਕੈਸੇ ਹਮ ਵੋਟ ਵੀ ਡਾਲਤੇ ਹੈ ਔਰ ਹਮ ਕੋ ਕੂਟਤੇ ਵੀ ਹੈ ਹਮ ਪਹਿਲੇ ਵੋਟ ਆਖੇ ਸੋਜਨ ਖਾ ਗਈ ਆਪਕੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਬੋਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਆ ਕਹੇਂਗੇ ਜੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ਭਾਈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਹਾਥੋਂ ਮੇਂ ਲੱਠ ਲੀਏ ਹੋਏ ਭਾਈ ਜੀ ਚਲੋ ਭਾਈ चलो अलग अलग जो है वो तस्वीरें हैं ट्रैक्टर है जत्थेबंदियां हैं उनसे हम लगातार आपको मिलवाने लग रहे हैं और 6-6 महीने का जो राशन है इसके ट्राली के अंदर भी आप दिखा दीजिएगा सभी अपनी रसोई साथ लेकर के लगातार चलने लग रहे हैं। हाँ जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। क्या कहेंगे भाई जी फुल तैयारी के साथ जाने लग रहे हैं? हाँ फुल तैयारी से ही। क्या मांगे हैं आपकी? बस जड़ियाँ मांगे साढ़े अधूरिया रहेंदियाँ ने वही मांगा ने सारिया जी। आगे हाई अलर्ट है पुलिस प्रशासन है इंडियन आर्मी है पैरामिलिट्री है कोई गल नहीं कोई हो बे। चलो हाँ जी भाई जी क्या क्या कहना चाहेंगे कहां कुछ नहीं लग तो बस वो देख लग रहे क्या क्या नाम आपको पूरा आप मारा टीटा धनोरी हरिकेश काबर छा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बुजुर्ग ताऊ जी हैं लगातार 13 महीने खटखट टोल प्लाजा के ऊपर भी अपनी सेवा इन्होंने दी थी और हरियाणा के अंदर जेजेपी बीजेपी नेताओं के विरोध की बात जहां आती थी अग्रिम भूमिका में आगे खड़े रहते थे। ताऊ जी सबसे पहले तो राम राम। राम राम भाई तेरे चैनल को भी राम राम और तेरे चैनल देखने वाले सभी प्रचंडों को मेरी तरफ से राम राम। क्या कहना चाहेंगे किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है सामने जवान है इस तरफ किसान। देखो एक बात हो रहा है जब कोई ऐलान होता ना वो तो ऐलान मतलब सब करते ही है लेकिन खट्टर सरकार ने अपना जोर लगाना है किसानों ने अपना जोर लगाना है किसान जोर लगाना नहीं चाहते थे लेकिन जानबूझ के खट्टर सरकार जोर लगवा रही है क्योंकि इनकी जायज मांगे हैं वो पूरी कर दो। 2 साल से ठंडे बस्ते में रख के बैठ गए 13 महीने मतलब इस सरकार को पता नहीं लगा कि वह मतलब क्या हुआ था। 13 महीने पहले इस सरकार ने ये कहा था कि आपकी जितनी भी मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएंगी और हम कमेटी गठित कर देंगे लेकिन कमेटी गठित का आश्वासन दे करके लोगों को उठा दिया गया और तीनों कानून वापस कर दिए थे लेकिन ठीक है लेकिन उस कमेटी का कोई आता पता नहीं कमेटी नहीं की। लेकिन इसमें दिल्ली में जब हमने कोई मीटिंग की और उस मीटिंग के में बता दिया लगे भी 13 फरवरी को कूच करेंगे उसके बाद भी सरकार ने मतलब इतनी नहीं जागी जितनी जागना था लेकिन अब मौके पे जो मतलब 2-3 दिन पहले बातचीत करने के लिए 3-3 मंत्री आ रहे हैं लेकिन ये पहले भी आ सकते थे लेकिन ये बातें ढकोसला है। लेकिन सरकार चाहे तो 1 घंटे का भी काम है लेकिन इनको MSP और स्वामीनाथन रिपोर्ट दे दे और ये किसान खुशी खुशी अपने घर चले जाएंगे इसमें कोई ऊँची बड़ी बात है कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात हो रहा है ये जो खट्टर सरकार ने इतनी मिलिट्री इतने पैरा से मतलब फोर्स घेरना ये अच्छी बात नहीं है अन्नदाता के साथ अत्याचार है और अत्याचार हम सहन नहीं करेंगे। ये हम और जोर अपील करते हैं कि अनुशासन के साथ और शांति प्रिय ढंग से आंदोलन होना चाहिए। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।